हेलो गाइस, मैं बिजू स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी जैगवार में आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं वेंसी प्रीमियर लीग के फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि बीजीआर वर्सेस जीआरडी के बीच में रात 9:30 बजे खेला जाएगा। वेन्यू रहेगा एरेनस वेले ग्राउंड, किंगस्टन में ये मैच होगा। गाइज देखो, इस मैच को अगर आप खेल रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं इसमें हर एक प्लेयर का इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, साथ में बेहतरीन जीएल टिप्स दूंगा, जैसे कि मैं आपको ओमान डिटेल में कंटिन्यू देता आ रहा हूं। जितना भी मैच कवर किया उसमें लगभग सभी में 90% एक्यूरेसी मैंने आपको बताया है, ठीक है। 14 या 15 प्लेयर आज बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट मैच है, लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, पर हमारे लिए अच्छा मौका है। देखो इसमें जीएल भी लग सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैं खेला था तो मेरा जीएल मिनी जीएल विन तो किया था 2-3 बार, प्लस मेगा जीएल में मिस हुआ था, ठीक है। सो गाइज, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे ही T10 के वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। फाइनल अपडेट जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैच के बाद में, टॉस के बाद में जो भी फाइनल अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मैं दूंगा, टीम प्रीव्यू हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। या आप फर्स्ट कमेंट सेक्शन में, मैंने देखो यहाँ पर लिंक पिन किया हुआ, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देखो गाइज, पिच रिपोर्ट की हम बात करें ना, तो पिच रिपोर्ट तो आपको पता है मैटर नहीं करता है T10 मैचों में, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूँ, न्यू फ्रेश पिच यूज़ होगी, बैट्समैन एंड बॉलर को इक्वल हेल्प मिलेगा और पिच पर ड्राइव भी रहेगा, जैसे बॉल टर्न भी होगी, ठीक है। एवरेज स्कोर की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 90 से 100 के बीच में हमें दिखाई देगा। गाइस जीआरडी की प्लेइंग 11 आपके सामने ये रही, ठीक है। शेन ब्राउन, आयरन सोलो, ठीक है, आसिफ ऊपर, और बीजीआर की प्लेइंग 11 की हम बात कर लेते हैं यहाँ से, तो बीजीआर की प्लेइंग 11 आपके सामने ये रही। वायन हार्पर विकेट कीपर सेक्शन में हमें दिखाई देंगे, राइट हैंड बैट्समैन है आंद्रे फ्लेक्चर, ठीक है, केरन कोटी, ठीक है, सेलम ब्राउन। अब देखो जीआरडी के स्टार्टिंग ओवर की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से डालेंगे, तो आसिफ ऊपर हो गए, ब्रेक्सी ब्राउन हो गए, डब्लू सुटर हो गए, ठीक है। जीआरडी के डेप्थ ओवर में बॉलिंग हम बात कर लेते हैं, ओ मक्काए, ठीक है, और डब्लू सुटर, ब्रेक्सी ब्राउन। अब बीजीआर की स्टार्टिंग ओवर की हम बात कर लेते हो, किमाली विलियमसन, ठीक है, लैरी एडवर्ड, केनाथ देम्बर। बीजीआर की हम डेप्थ ओवर की बॉलिंग की हम बात करें तो क्रिक विलियमसन, किमाली विलियमसन, केनाथ डेम्बर। अब देखो जीएल में आपको कैसा कॉम्बिनेशन बनाना, जीआरडी के आप 7 से 6 प्लेयर ले सकते हो, बीजीआर के आप 5 से 4 प्लेयर ले सकते हो। ऐसा मैंने क्यों बोला है वो आपको मैं वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अब कैसा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, एक तो विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, या 2 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 4 बॉलर के साथ आप जा सकते हो, या 2 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर के साथ आप जा सकते हो। अब देखो दोनों ही टीमों के ना 3 एस्ट्रोज मैचों की हम बात कर लेते हैं। 2021 में जीडी और बीजीआर का मैच हुआ था, देखो 66/5, 70/3, वेन हार्पर 22 रन का पारी खेला, आसिफ ऊपर 5 रन, 2 विकेट, ब्रेक्सी ब्राउन 1 विकेट, हायरन सोलो 36 रन का पारी खेला, केविन अब्राहम 25 रन का, केनाथ डेम्बर 2 विकेट। अब देखो जीडी और बीजीआर की 2021 की हम बात करें, 87/6, 88/6, आसिफ ऊपर 8 रन, 1 विकेट, वेन हार्पर 28 रन, सेम ब्राउन 29 रन का पारी खेला, ओबेड ओ मक्काए 2 विकेट लिया, ब्रेक्सी ब्राउन 1 विकेट, ठीक है, हायरन सोलो 20 रन का पारी खेला, केनाथ डेम्बर 45 रन, 2 विकेट, क्रिक विलियमसन 2 विकेट निकाले। अब देखो थर्ड मैच की हम बात कर लेते हैं, हायरन सोलो देखो 66 रन का पारी खेला, क्रिक विलियमसन 19 रन, 0 विकेट, केविन अब्राहम 1 विकेट, आसिफ ऊपर देखो 67 रन का पारी, साथ में 1 विकेट, वेन हार्पर 17 रन। अब हम दोनों ही टीमों के वेन्यू स्टेट जानेंगे कि कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है। विकेट कीपर सेक्शन में एक बार हम बात कर लेते हैं, हायरन सोलो 21 मैचों में 488 रन एवरेज, 30 का हाईएस्ट स्कोर 66 का, स्ट्राइक रेट 154 का है, ठीक है। वेन हार्पर की हम बात कर लेते हैं, एवरेज 17.24 का है, 22 मैचों में 293 रन ही बनाए, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं 33 रन, ठीक है। सेल्विन ब्राउन की हम बात कर लेते हैं, 31 मैचों में 600 रन बनाए, 21.43 का एवरेज है, हाईएस्ट 17 रन है, स्ट्राइक रेट 155 का है। अब देखो वेन्यू में सोल लिस्ट मस्ट पिक क्या है, हायरन सोलो, वेन हार्पर, सेल्विन ब्राउन, ठीक है, आपको बस इनको जीएल में रोटेट करना है। अब बैट्समैन सेक्शन में एक बार मैं बात कर लेता हूँ, सेम ब्राउन
27 मैचों में 450 रन बनाए, एवरेज 19.50 का है। स्ट्राइक रेट 132 का, हाईएस्ट रन स्कोर 54 का है। रोलैंड कोटो की हम बात कर लेते हैं, 8 मैचों में 192 रन है, एवरेज 27.43 का, हाईएस्ट रन स्कोर 61 है, स्ट्राइक रेट 193 का है। ठीक है, केडी होरन की हम बात कर लेते हैं, 8 मैचों में 58 रन बनाए। ठीक है, आंद्रे फ्लेक्चर की हम बात कर लेते हैं, हिट और मिस में से ये प्लेयर आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये ऐसे प्लेयर हैं जैसे मान लो 8 मैचों में 7 मैचों में नहीं चलते हैं, 3 मैचों में चलते हैं। ठीक है, 11 मैचों में 395 रन, एवरेज 36 का है, स्ट्राइक रेट 79 का है। एलेक्स सैमुअल की हम बात कर लेते हैं, 17 मैचों में 211 रन, एवरेज 13 का है, स्ट्राइक रेट 137 का है। केरोन कोटी की हम बात कर लेते हैं, देखो एवरेज 11.29 का, 18 मैचों में 192 रन बनाए। अब बैट्समैन सेक्शन में शॉर्टलिस्ट मैच पिक किया है, सेम ब्राउन, आंद्रे फ्लेक्चर, रोलैंड कोटन डिफरेंशियल पिक होंगे। केरन कोटी का देखो एवरेज 11.29 का है, बट सेफ पिक है। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में हम बात कर लेते हैं, आसिफ ऊपर 28 मैचों में 603 रन, एवरेज 25.13 का है। ठीक है, 29 मैचों में 21 विकेट भी लिए हैं। ठीक है, 18.66 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 15.4 का है। डेसन हॉयटे की हम बात कर लेते हैं, ये अच्छा बॉलर है, 9 मैचों में 10 विकेट लिए, एवरेज देखो 12.6 का, स्ट्राइक रेट ओनली 9.6 की है। ठीक है, केविन अब्राहम की हम बात कर लेते हैं, 19 मैचों में 173 रन, एवरेज 11.53 का, स्ट्राइक रेट 153 की है, 26 मैचों में 15 विकेट भी लिए। केनेथ डेम्बर की हम बात कर लेते हैं, यहाँ से 16 मैचों में 225 रन, एवरेज 22.5 का है, हाईएस्ट स्कोर 45 का है, स्ट्राइक रेट 149 का, 19 मैचों में 9 विकेट भी लिए हैं। ठीक है, टी पोप की हम बात कर लेते हैं, 16 मैचों में 61 रन है, 13 मैचों में सिर्फ 2 विकेट लिए। ऑलराउंडर सेक्शन में शॉर्टलिस्ट मैच भी क्या है, आसिफ ऊपर और डेसन होयटे। ठीक है, केनार्ड डेम्बर, केविन अब्राहम, दोनों का डिफरेंस डिसेंट परफॉर्मेंस है, तो जीएल में किसी एक को ट्राई कर लेना आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एक। अब बॉलिंग सेक्शन में हम बात कर लेते हैं, वेक्सरी स्ट्रो की हम बात कर लेते हैं, 10 मैचों में 13 विकेट, एवरेज 11.31 का, स्ट्राइक रेट देखो 7.85 का। ठीक है, अच्छा बॉलर है। जेरन वेली की हम बात कर लेते हैं, 21 मैचों में 15 विकेट लिए हैं। ब्रेक्सी ब्राउन 21 मैचों में 11 विकेट लिए। कैसरिक विलियमसन की हम बात कर लेते हैं, 15 मैचों में 167 रन बनाए हैं 20.88 के एवरेज से। ठीक है, 18 मैचों में 14 विकेट भी लिए हैं। राजीने ब्राउन की हम बात कर लेते हैं, 25 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। किमाली विलियमसन की हम बात कर लेते हैं, 27 मैचों में 15 विकेट लिए हैं। ठीक है, वेस्टर्न सैमुअल की हम बात कर लेते हैं, 12 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। बॉलिंग सेक्शन में शॉर्ट लिस्ट मस्ट पिक क्या है, वेस्टर्न स्ट्रूप, कैसरिक विलियमसन, लैरी एडवर्ड 11 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। ठीक है, आर ब्राउन या बी ब्राउन में से एक को इम्पोर्टेंट हमारे लिए, जेरोन विली, स्ट्राइक रेट 12.4 का है, डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं जीएल के लिए। ओम का यदि खेले तो जीएल में आपको ट्राई करना है। ऊपर मैंने बता दिया कौन से प्लेयर मोस्ट हैं और किसे जीएल में लेना है। अब हम जानेंगे ड्रीम इलेवन में हाईएस्ट परसेंटेज एंड लो परसेंटेज के कितने प्लेयर हैं, ताकि हम जीएल कॉम्बिनेशन अच्छे से बना सकें। 80-100% के बीच में टोटल 10 प्लेयर हैं, आपको 6-7 प्लेयर ही ट्राई करना है। ठीक है, ये आपके सामने 10 प्लेयर रहे, इनमें से आपको 6-7 प्लेयर ही लेने हैं। अब अदर 4-5 प्लेयर हमें लो परसेंटेज में से पिक करना है। ठीक है, इनमें से आपको 4-5 प्लेयर लेना है। मेगा ग्रांड लीग के सीवीसी आज के मैच के कौन रहने वाले हैं, बीजीआर की हम बात कर लेते हैं, तो आंद्रे फ्लेक्चर, हिट या मिस में से केनार्ड डेम्बर वेरी रिस्की हो जाएंगे, आसिफ ऊपर सेफ है, रोलैंड कोटो वेरी रिस्की, डेसन होयटे रिस्की, ठीक है, वेस्टर्न स्ट्रो रिस्की, ओडे मकाय रिस्की सीवीसी होंगे, तो ये आप हमारे मैच के सीवीसी रहने वाले हैं। कैच एक बार हम सीवीसी पे नज़र डालें तो ए फ्लेक्चर का 31.2% है कैप्टनसी में, ए हुपर का 50% सिलेक्शन है कैप्टनसी में, तो ये दोनों ही प्लेयर आज के सेफ सीवीसी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा टीम प्रीव्यू रहेगा। फाइनल अपडेट जो भी होगा ना, क्या चेंजेस हमें करना है, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करूँगा। टेलीग्राम चैनल का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया या फर्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन किया, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब जीएल में आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं मैच के अंदर।